YouTube चैनल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि जॉब एनराजमेंट के क्या फीचर्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जॉब एनराजमेंट क्या होता है और कैसे ये जॉब एनरिचमेंट से डिफरेंट है। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें हमने तीनों के मीनिंग डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जॉब एनराजमेंट का मीनिंग नहीं करवाने वाली, वो मीनिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जस्ट इसके सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जॉब एनराजमेंट, उसके फीचर क्या है। देखिए जॉब एनराजमेंट क्या था कि जब एक पर्सन कोई काम कर रहा होता है किसी पोस्ट पर, तो सपोज वो चार टास्क कर रहा है तो हम उसे कुछ और चार नए टास्क दे देते हैं, उसी पोस्ट पर उसे और काम करना पड़ता है, उसका काम बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज टास्क हॉरिजॉन्टली, यानी ये एक पर्सन के काम को हॉरिजॉन्टली बढ़ाता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब जिस लेवल पे वो है उसी लेवल पे उसके काम बढ़ते जाएंगे, उसकी पोस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज नहीं होंगी। सेकेंड, डज नॉट इंक्रीज क्वालिटेटिव नेचर ऑफ जॉब। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर एक पर्सन की क्वांटिटी ऑफ जॉब बढ़ रही है, यानी कि अगर वो पहले 10 टास्क कर रहा था तो अब वो 12 टास्क कर रहा है। ठीक है ना, क्वांटिटी बढ़ गई, काम बढ़ गया उसका, क्वालिटी नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया सीख रहा है, कोई नई पोस्ट का काम सीख रहा है, नहीं, क्वालिटी नहीं बढ़ती, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, वर्कलोड बढ़ता है। देन नीड मोर एक्सटर्नल कंट्रोल, यहां पर हमें पर्सन को बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है, यानी उस पर नजर रखनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको फीडबैक देना पड़ता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब उसका काम बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो काम करते करते थक जाए और काम चोरी करने लगे, तो हमें उस पर नजर रखनी है कि वो काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट, पर्पज इज टू रिड्यूस मोनोटनी। मोनोटनी क्या होता है, जब हम एक ही काम लगातार करते रहते ना तो हम बोर हो जाते हैं, तो हमारी इस बोरियत को खत्म करने के लिए हमें थोड़ा और टास्क दे दिया जाता है। वो कहते हैं अच्छा तुम ये तीन टास्क करते हो बोर हो गए, तो चल भाई दो टास्क और कर ले, ठीक है, अब ये नया काम कर ले, पुराना भी कर और या नया भी कर, ठीक है, तो तुम्हारी मोनोटनी खत्म हो जाएगी। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट रिड्यूस मोनोटनी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस काम को आप करते करते बोर हो जाते हो उस काम में कुछ और चेंजेस कर दिए जाते हैं, काम बढ़ा दिया जाता है और नया काम करने में हमें मजा भी आता है। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है क्योंकि उसे कम समय में ज्यादा टास्क हैंडल करना आ जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ती है। देन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जब हर चीज बढ़ रही है, वर्क बढ़ गया, स्किल टेक्नोलॉजी सॉरी स्किल, देन मैनेजमेंट करने का तरीका, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसका जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, सेव कॉस्ट इन शॉर्ट रन, यानी कि ये बहुत आसान तरीका है अपना खर्चा बचाने का। कंपनी क्या कहती है कि अच्छा वर्कलोड बढ़ रहा है, कुछ और एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, भाई क्या जरूरत है, पुराने एम्प्लॉयज के साथ ही काम चला लेते हैं, जितना काम वो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा काम और दे दो और उन्हीं से काम करवाओ। तो ऐसा क्या होगा कि वर्कर्स और ज्यादा कंपनी में एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंपनी के ऊपर खर्चा नहीं आएगा। तो ये थोड़े टाइम तक अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉयज थक जाएंगे और बोर होकर कंपनी, फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी छोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए बोला है कि ये चीज सिर्फ शॉर्ट रन में ही काम आती है। नेक्स्ट, मीनिंगफुल फीडबैक, हम एम्प्लॉयज को प्रॉपर फीडबैक देते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज, कई बार क्या होता है बच्चों कि एक पर्सन को हमने जो काम दिया होता है वो उससे ज्यादा काम करने के काबिल होता है, तो उसकी ये काबिलियत हमें तभी पता लगेगी जब हम उसके साथ जॉब एनराजमेंट करेंगे, जब वो कम समय में ज्यादा काम करेगा तो हमें उसकी एबिलिटीज का पता लगेगा, तो ये हमारी एबिलिटीज को अच्छे से यूटिलाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ टास्क, एक ही इंसान अलग अलग तरह के काम करता है तो उसको नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करने का मौका मिलता है। अब जब इसके फायदे हैं तो ऑब्वियसली इसके नुकसान भी होंगे, तो क्या लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। फर्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर मोरल, यानी हो सकता है कि एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाए, उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाए। भाई आपने तो जॉब एनलार्जमेंट इसलिए किया था क्योंकि आपको लग रहा है कि वर्कर को कुछ नया करने को मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, बट इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि वर्कलोड बढ़ने से वो परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए और उससे उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाए, ठीक है ना, ठीक कह रही हूं ना, यस। सेकेंड है रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, अब भाई उसका मॉरल कम हो गया, मोटिवेशन लेवल कम हो गया, वो फ्रस्ट्रेट है, वो परेशान है, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा जिससे कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट एडिशनल स्ट्रेस, भैया पहले ही जॉब में इतना स्ट्रेस होता है, तुम और काम बढ़ाओगे तो स्ट्रेस तो और बढ़ जाएगा, है ना, तो इसका ये नुकसान है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, कुछ समय के लिए तो पर्सन बड़ा खुश होता है कि वाह मुझे नया काम करने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे जब वर्कलोड बढ़ने लगता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना काम क्यों कर रहा हूं, मैं गधा मजदूरी क्यों कर रहा हूं, इतनी सी सैलरी में, चिन्नी सी सैलरी, काम इतना सारा, तो उससे क्या होगा, इसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। देन गिव राइज टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, यस, कंपनी में इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्राइक्स हो जाना, लॉकआउट हो जाना, जब वर्कर खुश नहीं है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, उनको कम सैलरी में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम तुम दे नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा कि कंपनी में स्ट्राइक, लॉकआउट होने के चांसेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीजेस वर्कलोड, ये तो बहुत सिंपल सा है कि एम्प्लॉय का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।